कि यहाँ पर सभी लोग जितने पदाधिकारी हैं सभी लोग इसके साथ में लग भिड़ करके और समूह का बड़ा सहयोग मिल रहा है, सबके अंदर खुशहाली है। इस प्रकार का कार्यक्रम यदि वहाँ सिक्किम में होता हो और आदान प्रदान आने जाना रहेगा तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में लगे हुए और आज मैंने यहाँ लेबोरेटरी देखा, यहाँ मैंने कई चीज़ें कैसे कैसे पैकिंग होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी व्यवस्था और जैसी जानकारी मिली कि लेबोरेटरी एशिया के अंदर इस ढंग का अपने प्रथम स्थान रखता है इस प्रकार लेबोरेटरी, तो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी विशेषता है और हम समझ रहे हो कि यहाँ के भी किसानों को और उसमें बढ़ोतरी होगा और खुशहाली किसानों को मिलेगा। तो इस प्रकार आज मैं यहाँ पर पधार करके समूह से मिल करके काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रकार आपस का हर दृष्टिकोण से मिलना जुलना, आपस का संबंध भी अच्छे ढंग से बनेगा और साथ ही साथ किसानों को यहाँ भी किसानों को लाभ होगा, वहाँ जो विशेष चीज़ होते हैं उसमें यहाँ किया जाए और यहाँ से जो होता है वहाँ पर वो मैंने सिक्किम के अंदर किया जाए तो हमें किसानों को काफ़ी लाभ होगा। इस कई दृष्टिकोण से यह जो टूर जो है और आना जाना और वहाँ से वहाँ जो जम्मू कश्मीर से डायरेक्टर साहब और कई लोग वहाँ जो पहुँचे सिक्किम के अंदर, तो इस प्रकार आना जाना और करना और इस प्रकार ध्यान रखना, तो मैं काफ़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल महोदय अभी कश्मीर या ऐतिहासिक भ्रमण में हमारी सिक्किम सरकार के मुख्यमंत्री महोदय और उनके आशीर्वाद के कारण आज हम सिक्किम के किसान के लिए यहाँ सैफरन खेती कैसा होगा क्या होगा ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ आकर देखकर यहाँ का जो हमारा इकबाल साहब जिसने हम लोग के साथ गवर्नर हाउस में सिक्किम में दो बार मीटिंग हुआ था, तो यहाँ आके देखने के बाद पता चला कि जो सैफरन खेती वहाँ पर करेगा हमारे फार्मर्स को बहुत फायदा होगा। तो ये एक सोच वहाँ सिक्किम और यहाँ जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पर बर्फ़ गिरता है ज़्यादा और वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो जो रिसर्च में हमारा बीसी साहब सिक्किम यूनिवर्सिटी से और हमारी हॉर्टिकल्चर की टीम सब मिलकर इकबाल साहब यहाँ से कश्मीर का जो भी हॉर्टिकल्चर के वहाँ पर जाकर रिसर्च किया, तो अभी ये केसर खेती आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप आगे हम लोग पहुँच चुके हैं, तो आने वाले दिन में हम लोग सिक्किम में भी इसका खेती में जितना हम प्राइवेट लैंड में हो सरकारी लैंड हो जहाँ इन्वायरमेंट वहाँ का क्लाइमेट ठीक सूट करेगा वहाँ पर हम आगे जाकर काम करें।